हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम हैं दोस्तों सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और आज हम जाने वाले हैं सूरतगढ़ से गंगानगर, और ट्रेन हमारी होने वाली है दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर एक्सप्रेस। और दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं सूरतगढ़ से गंगानगर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क भी। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और देख सकते हो दोस्तों सामने की ओर लगी हुई है हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ये एक डेली ट्रेन है, ये सूरतगढ़ से चलती है 12:40 पर। और देख लो दोस्तों हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव भी लुधियाना शहर का। WDM-3A। और देख सकते हो दोस्तों सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर काम भी चल रहा है। चल चुकी है हमारी ट्रेन दोस्तों सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से। अपने ऑन टाइम 12:40 पर। इस ट्रेन के बारे में तो इस ट्रेन का नंबर है दोस्तों 04760, और ये दोस्तों सूरतगढ़ से चलती है 12:40 पर, और दोस्तों गंगानगर पहुंचा देगी ये ट्रेन 3:45 पर। तो ये ट्रेन अपने को गंगानगर पहुंचाने में लगाएगी टाइम 3:15, ये 16 स्टेशनों पर रुकती जाएगी। दोस्तों बात करें सूरतगढ़ की तो सूरतगढ़ एक जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन और एक लाइन निकल जाएगी, इस लाइन पर हम जा रहे हैं गंगानगर वाली। ये 5 प्लेटफॉर्म पर और देख सकते हैं दोस्तों सूरतगढ़ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दोस्तों सूरतगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान सर रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है। तो देख सकते हो यहां पर पोल वगैरह लगा दिए गए हैं भगवान सर रेलवे स्टेशन पर। अगर दोस्तों मैं आपको इस साइड पर दिखाऊँ तो देख सकते हो बड़े बड़े ब्रैकेट वगैरह बना के पोल वगैरह लगाने का काम चल रहा है। दोस्तों देख सकते हो बड़े बड़े पोल वगैरह लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है।
दोस्तों सूरतगढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरदारगढ़ रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है और यहां पर देख सकते हो अभी पोल वगैरह नहीं लगाए गए हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह बनाकर कर पक्के कर दिए गए हैं। दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं स्वरूपसर रेलवे स्टेशन और उससे पहले देख सकते हो कपड़े वगैरह लगाकर फिक्स कर दिए गए हैं और इन पे STBT भी लगा दी गई है। दोस्तों सूरतगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं स्वरूपसर रेलवे स्टेशन और बात करें दोस्तों स्वरूपसर रेलवे स्टेशन की तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है अपने सूरतगढ़ वाली और एक लाइन निकल जाएगी अपने अनूपगढ़ वाली और एक लाइन निकल जाएगी गंगानगर वाली और देख सकते हो दोस्तों किस तरह यहाँ पर पोल वगैरह लगाकर फिक्स कर दिए गए हैं। और दोस्तों देख सकते हो ये वाली लाइन निकल गई है अपनी अनूपगढ़ वाली और देख सकते हैं दोस्तों ये अपना जैतसर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था और यहाँ से हमारी ट्रेन चल चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पर पोल वगैरह लगा दिए गए हैं जैतसर रेलवे स्टेशन पर। जैतसर से हमारी ट्रेन चल चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो STBT भी लगी हुई है पोल के ऊपर। दोस्तों सूरतगढ़ से 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मसानी रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों मसानी वाला रेलवे स्टेशन पर पोल वगैरह लगाकर फिक्स कर दिए गए और STBT भी लगा दी गई है, सिर्फ वायरिंग का काम ही बाकी है। तो दोस्तों 1 मिनट के स्टॉप के बाद चल चुकी है हमारी ट्रेन। मसानी वाला से
दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं मोहन नगर रेलवे स्टेशन। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़े 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 पोल वगैरह लगाकर फिश कर दिए गए हैं। दोस्तों सूरतगढ़ से 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मोहन नगर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों कुछ इस तरह का है अपना मोहन नगर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर देख सकते हो वायरिंग वगैरह भी लगाने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बड़े बड़े पोल वगैरह लगाकर STBT वगैरह भी लगा दी गई है। देख सकते हो पूरे रेलवे स्टेशन पर मोहन नगर। और दोस्तों देखा जा सकता है वर्करों द्वारा काम वगैरह भी किया जा रहा है यहाँ पे। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर वायरिंग वगैरह भी लगा दी गई है। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं रायसिंह नगर। तो सूरतगढ़ से 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रायसिंह नगर और यहां पर हमारी ट्रेन का 4 मिनट का स्टॉप है। चल चुकी है दोस्तों हमारी ट्रेन रायसिंह नगर से।
दोस्तों सूरतगढ़ से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गज सिंह रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो वायरिंग वगैरह भी लगा दी गई है यहां से और यहां पर इलेक्ट्रिकेशन का काम भी कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों गज सिंहपुर में। गज सिंहपुर और दोस्तों ये था अपना जरावर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप था और चल चुकी है यहाँ से हमारी ट्रेन। और यहाँ पर भी देख सकते हो इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं श्री करणपुर और देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है करणपुर में। दोस्तों सूरतगढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री करणपुर और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है और ये दोस्तों 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन चुके हैं दलपत रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है।
दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन दलपत सिंहपुर रेलवे स्टेशन से एक मिनट के स्टॉप के बाद, और यहाँ पर भी लेफ्ट का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो सूरतगढ़ से 113 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं केसरी सिंहपुर, और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। पर भी इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों सूरतगढ़ से 126 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पृथ्वीराज, और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। सकते दोस्तों यहां पर भी इलेक्ट्रिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चल चुके हैं दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन। और दोस्तों यहाँ से गंगानगर सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मिलते हैं दोस्तों सीधा आपको गंगानगर में। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं गंगानगर रेलवे स्टेशन पर, और ये देख सकते हैं सामने वाली लाइन है अपनी बठिंडा वाली। दोस्तों सूरतगढ़ से 137 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगानगर रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन हमारी पहुंच गई थी 15 मिनट पहले ही। और दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिकेशन वर्क की, तो सूरतगढ़ से मोहन नगर के बीच में पोल वगैरह लग गए हैं और एसटीबीटी वगैरह भी लग गई है, और मोहन नगर से गंगानगर के बीच में काम वगैरह कम्प्लीट होने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रिकेशन वर्क का। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।